एक समय की बात है, एक सुंदर वाटिका लगी थी जिसमें अंगूरों की एक बेल लगी थी। वहाँ पर रोज एक चिड़िया आती और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती और खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती। माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की पर वह हाथ नहीं आई। हताश होकर एक दिन मालिक ने यह बात राजा को बताई। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली और वाटिका में छिप कर बैठ गया। फिर जब चिड़िया अंगूर खाने आई और फिर जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने तेजी दिखाते हुए उस चिड़िया को पकड़ लिया, यानी कि राजा ने चिड़िया को पकड़ लिया और वो उसे मारने लगा। तो चिड़िया ने कहा कि हे राजन, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की चार महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। राजा ने कहा कि जल्दी बता। चिड़िया ने कहा कि पहली बात तो राजा के हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। फिर राजा ने कहा कि जल्द दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा कि असंभव बात पर भूल कर भी कभी विश्वास मत करो। और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी भी पश्चाताप मत करो, यानी कि बीती बातों को भूल जाओ। राजा ने कहा कि अब चौथी बात भी जल्दी से बता दो। इस पर चिड़िया बोली कि चौथी बात बड़ी ही गूढ़ और रहस्यमयी है, मुझे जरा ढीला छोड़ दो क्योंकि मेरा दम घुट रहा है, कुछ सांस लेकर ही बता सकती हूँ। अब चिड़िया की बात सुनकर राजा ने अपना हाथ ढीला कर दिया। फिर चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई और बोली, मेरे पेट में दो हीरे हैं। यह बात सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गया। फिर राजा की हालत देखकर चिड़िया बोली कि हे राजन, ज्ञान की बात पढ़ने और सुनने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है। आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपकी शत्रु थी फिर भी आपने मुझे पकड़कर छोड़ दिया। मैंने यह असंभव बात कही कि मेरे पेट में दो हीरे, फिर भी आपने उस पर विश्वास कर लिया। और फिर आपके हाथ में दो काल्पनिक वो काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पश्चाताप करने लगे, यानी कि पछताने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उपदेशों को उतारे बिना उनका जीवन में कोई भी मोल नहीं है। तो बने रहिए एक और नई मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी और नई स्टोरी के साथ।